गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखनाथ मंदिर के परिसर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य से मेला का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ चिकित्सकों के निदेशक डॉक्टर के पी बी सिंह द्वारा गुरु गोरखनाथ के चित्र माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। स्वास्थ्य शिविर में विशेष रूप से दिल्ली के फोर्टिस के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सकों के अलावा गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक भी मौजूद रहे। इसके अलावा दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के द्वारा भी निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का उपचार किया गया। इसके बाद मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। स्वास्थ्य मेले में 1500 रोगियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके तहत चिकित्सालय में उच्चीकृत नेत्र विभाग द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण बीमारी जैसे मोतियाबिंद, काला मोतिया, भैंगापन तथा आँख के अन्य रोगों की निःशुल्क जाँच भी हुई। इस शिविर में मोतियाबिंद के 50 मरीजों को चिन्हित कर एवं ऑपरेशन के पूर्व जांच कर ऑपरेशन की तारीख दी गई है। हेल्थ कैंप के संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर राहुल भार्गव, गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह, निदेशक डॉक्टर के पी बी सिंह ने कहा। डॉक्टर सलील जैन ने कुछ 50 मरीज किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट के देखे हैं, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से फ़ायदा मिल सकता है। आलोक तिवारी साहब ने 50 से 60 मरीज ओरल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के देखे हैं, जिनको फ़ायदा होने की संभावना है अर्ली सर्जरी से। डॉक्टर अजिताभ ने 100 पेशेंट लिवर के देखे हैं और मैंने एनीमिया के कुछ 70 पेशेंट देखे हैं, जिनको माध्यम से ये पता चलता है कि एनीमिया यहाँ पे आज भी एक प्रमुख कारण है कमजोरी का और थकान का। क्या सलाह दी? सबसे ज़रूरी सलाह फोर्टिस की तरफ से और गोरखनाथ मंदिर से की तरफ से ये है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे को प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना है, हमारे को एनीमिया को बचाना है। ओरल गुटका, मतलब कैंसर, ओरल कैंसर का सबसे प्रमुख कारण जो है गुटका, उसको त्यागना है। अर्ली साइंस ऑफ किडनी फेलियर को समझना है, साथ ही में लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी माध्यम और ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से लिवर फेलियर के मरीज बच सकते हैं। तो लोगों को सुखाल रहने के लिए, सुखी रहने के लिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने शरीर के प्रति ध्यान देना और अपने बॉडी सिग्नल्स को समझना, ताकि डॉक्टर से जल्द मिलके अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ। अधीक्षक आयुर्वेद महंत दिग्विजयनाथ चिकित्सालय, हमारे वहाँ भी क्षार सूत्र पंचकर्म के लिए मरीज
छांटे जा रहे हैं और उन्हें दवाएं मुफ्त निदान के बाद जो है दी जा रही हैं, और लगभग 100 मरीज से ऊपर अभी तक देखे जा चुके हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी की 50वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 5वीं पुण्यतिथि पर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक करीब 1500 मरीजों को उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा भी अभी तक लगभग 100 मरीजों को निःशुल्क देखा जा चुका है। हमारे इस शिविर में फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के 4 स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, ब्लड के, कैंसर के, नेफ्रो के और गैस्ट्रो सर्जरी लीवर ट्रांसप्लांट के, उनके द्वारा भी निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस शिविर के लाभार्थी को मुफ्त में देखा जाएगा, सारी जांचें उसकी निःशुल्क कराई जाएंगी और सारी दवाइयां उसे निःशुल्क दी जाएंगी। इस चिकित्सालय में पहले जो बेसिक स्पेशलिटी है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री प्रसूत रोग, बाल रोग, हड्डी विभाग, इसके स्पेशलिस्ट, चर्म रोग, मानसिक रोग, इसके स्पेशलिस्ट तो हैं। इसके बाद जो सुपर स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, लीवर ट्रांसप्लांट और गैस्ट्रिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी, इसके भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। और पूरे रोगियों को देख करके जो संभव है यहाँ पर वो जांच किया जा रहा है, जांच करके उनको एडवाइस किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं है, बाहर होता है, उनको या तो दिल्ली या SGPGI लखनऊ रेफर किया जा रहा है। दवाएं जो बेसिक दवाएं उपलब्ध हैं, बेसिक दवाएं हम, और हमारा दवा का कमरा भी लगा हुआ, वहाँ सामने जाके देखिए, वहाँ पर दवाएं मिल रही हैं। और इसी के साथ महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भी कैंप लगा हुआ है, हमारे आयुर्वेद के 4 सूत्र और पंचकर्म की भी दवाएं हो जांच करके दिया जा रहा है।